हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप? आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज है जुम्मे का दिन। तो यार, हमारा जो मस्जिद है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं है, लेकिन उसमें जो रेत है ना, वो बहुत ज़्यादा है उस कालीन पर। तो मैंने सोचा क्यों ना, हमने ये वैक्यूम क्लीनर लिया है, तो क्यों नहीं इस पर सफाई किया जाए और इसका शुरुआत भी वहाँ से किया जाए। तो थोड़ा ये जो वैक्यूम क्लीनर है, तो ये कामयाब भी होगा ना आगे ज़िंदगी में, फिर काम भी आएगा। तो आप सब लोग जो आज स्टेटस लगाएंगे, तो उन सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक हो। और अगर स्टेटस लगाने वाले हो ना, तो सबसे पहले आप लोग जाइए अपने मस्जिदों में, थोड़ा ये मस्जिद भी साफ करो ना। तो फिर मस्जिद में किस तरह सेल्फी निकालो, कहो कि जुम्मा मुबारक। तो मैं तो अब जा रहा हूँ, अपने मस्जिद को साफ़ करूँगा और साथ में और वैक्यूम क्लीनर जो है ना, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आइए चलते हैं मस्जिद में। तो इसको अब खोल लेंगे ना। अंदर से सामान निकाल लूंगे। राणा दादा तो खाया। खादिन ने जोड़ को दाबे पास से दोबारा की देखा। ये देख रहे हो, ये इसलिए है ना, ताकि जब इसके अंदर ये जो है ना, ये इसमें डस्ट के लिए रखा जाता है, ताकि डस्ट इस मशीन में ना। और ये इस तरह रख लोगे। और ये जो है ना, ये जाल ये इसलिए रखते हैं ना, ताकि ये भी ऊपर ना आए। तो इसके साथ हम इसे यहाँ पर फिट कर लेंगे। ये हो गया। और ये जो है ना, आप लोग को दिख रहा है, जिसके कमर में मसला हो ना, तो ये उन लोगों के लिए इस तरह पर साफ करेंगे। तो हम इसे वो कंटिन्यू करते हैं ना। तो ये वाले जो सुराख है ना, इसमें इसको अंदर कर लोगे, इसके बाद तो होगा हमारा साफ। सही शो हमारा ठीक है। तो इसमें भी ये दो किस्म के, जब वो इस तरह सादा कालीन हो ना, तो उस पर ये ब्रश किस तरह निकाल लोगे, आखा का सबर होगा तो तरह निकाल लोगे। तो हम इसको अंदर करें, क्योंकि यहाँ पर रेत बहुत ज़्यादा है। इसको दे दें लगू कर। तो ये हमारा वैक्यूम क्लीनर रेडी हो गया ठीक है, सादा इस तरह तो खादा बोलो। और ये वाले जो ब्रश है ना, सब ऐसे मैं खोलता हूँ। तो इसको जो है ना, ये कोने और जगह जो हो गई ना, इसको साफ करने के लिए होता है। तो, हमारी तरफ से सबको जुम्मा मुबारक हो। तो अब हम इस पर काम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आज है किलो पिकड़ती थी। तो इसको हम सबसे पहले ऑन कर लेंगे हमने। तो सबसे पहले हम इस चीज को इस तरह खोल लेंगे ठीक है, ताकि जो बाहर से हवा आएगी ना, तो जो डस्ट आएगा तो इसके अंदर जाएगा। السلام عليكم شاتش عليك لك شاتش دوري ها تو ये है पेंटर हमारे साथ। इस कचरा कचरा तो खत बस तेजा मोला का कतली से कोता का। जी हाँ, दूध खबर कब करना।
هو خبري غالي ايه ده وده ده غندوم دي तो ये आप लोगों ने देख लिया कचरा मुझे बस मस्जिद को साफ कर दिया तो आप सब लोग को जुम्मा हमारा हमारे वीडियो में पता थैंक यू। एक तो खराब साफ करने दीजिए धुओं से जो है ना डस्ट से बिल्कुल साफ कर दे। अब इसे थोड़ा टाइम उल्टा रखेंगे ताकि ये बिल्कुल वो हो जाए ना पानी सूख जाए क्योंकि फिर ये जंग लगेगा इसके ऊपर। तो इसका ये सारा सामान है।